एडमिशन कंफर्म हो गया है तो आपको क्या करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूजन है कि अब आगे क्या करें। ठीक है, तो अभी जो है आपके मैसेजेस वगैरह जो आने स्टार्ट हो गए होंगे ईमेल वगैरह पे, तो आपको क्या करना है, ईमेल वगैरह चेक करते रहेगा, अपने कॉलेजेस की वेबसाइट भी चेक करते रहेगा, वहाँ पर आपको जीई के जो पेपर होते हैं एंड एईसीसी के वो चीज़ें वहाँ पर आपको मेंशन मिलेगी, वो चीज़ें देखने को मिलेगी, तो उस चीज़ का अपडेट भी आपको ईमेल के थ्रू एंड कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। ये तो हो गई हमारे उसके बाद आगे का प्रोसेस, बट आगे आपको करना क्या है कि एग्जैक्ट कुछ कई भी स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट्स को ढंग से नहीं पता है। सुन लीजिए क्या करना है आपको, तो आपको जो है वीडियो एडिटिंग, पोस्टर मेकिंग, इस चीज़ में भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे पोस्टर मेकिंग में कई स्टूडेंट्स का होता है, कई स्टूडेंट्स का डांसिंग में होता है, कई स्टूडेंट का सिंगिंग में होता है, तो उस चीज़ को जो है वो आप बिल्डअप कीजिएगा। जब आप कॉलेज के अंदर आएंगे, कॉलेज की सोसाइटीज़ को ज्वाइन करेंगे, तो उस ऑफलाइन के क्लासेस के अंदर, तो उन सोसाइटीज़ को आप ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको जो है उस चीज़ को सीख कर आएंगे, तो वो चीज़ें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस वजह से जो है आपके कॉलेज के अंदर आपके जो फेमस होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होगी उस कॉलेज के अंदर, जिस भी कॉलेज के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक, होने ही वाली अराउंड 10 दिन के आसपास आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। सो आपको क्या करना है, जिस भी चीज़ के अंदर आप सिंगिंग डांसिंग हो सकता है, आपका पोस्टर मेकिंग हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, एंड कई स्टूडेंट्स का हॉबी होता है डिबेट, तो डिबेट भी आप कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन डिबेट्स आप क्या करेंगे। ठीक है, तो मतलब डिबेट वाली चीज़ें कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, जितना भी आप जानते होंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी चीज़ों को अच्छे से जान लीजिएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जब कॉलेजेस के ओरिएंटेशन प्रोग्राम होंगे तो ऑनलाइन आपके इवेंट्स भी करवाए जाएंगे। अब सभी स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे ही ये फिफ्थ कट ऑफ रिलीज़ होगी उसके बाद से हो सकता है कि आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए मैसेजेस वगैरह आ जाए आपके ईमेल पर एंड कॉलेज की वेबसाइट पर, तो उस चीज़ को ज़रूर आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, इसके साथ में जो आप सभी स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं बता दूँ कि क्लासेस के दौरान जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो कंसिस्टेंटली आपको जो है लगातार क्लासेस अटेंड करना है, एक भी दिन आपको अच्छे से मतलब छुट्टी नहीं करनी है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, अच्छा आपको स्कोर करना है। ठीक है, और इस वीडियो के इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है कि आपको 6 टिप्स को फॉलो करना है, और उन 6 टिप्स के अकॉर्डिंग जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं कॉलेज के अंदर। और एक जो है ट्रैपिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो उसमें भी मैंने उसका रिप्लाई किया है कि आपको उसमें ज्वाइन नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना। यहाँ पर मैं फिर दोबारा बता देता हूँ इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आपको अपने अंदर की जो एबिलिटी है उसको बढ़ानी है, आप अच्छा लर्नर बनिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छे अच्छे बुक्स को पढ़िए, और बुक पढ़ने के हैबिट को अच्छे एक्सप्लोर कीजिए, और बुक पढ़ने के हैबिट को डालिए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट टिप्स थी, आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। और कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया हमारा एडमिशन हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, तो इन चीज़ों पर आप काम कीजिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। ठीक है, और फालतू टाइम वेस्ट करना आप छोड़ दीजिए अब से लेकर, क्योंकि 10 दिन ही बचे हैं, अराउंड 10 दिन के बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। सो ये पूरा आपका शेड्यूल था, आपके कन्फ्यूज़न आई होप कि दूर हो गई होगी अब, कि आपको अब क्या करना है एडमिशन लेने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।